अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम शाहनवाज़ अहमद है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SBR से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें लाइक सिलेबस ऑफ SBR, पेपर पैटर्न और कुछ इंसाइट्स अबाउट दी स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग SBR का एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं, उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि ACCA में SBR की कनेक्टिविटी बनती है F7 एग्ज़ाम से। जिन लोगों ने F7 का एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है, उन्हें ये पता है कि F7 इज़ अबाउट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंगल कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ग्रुप्स कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सम वॉट इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो SBR का सिलेबस है इज़ द एडिशनल वर्जन ऑफ और एडवांस वर्जन ऑफ F7 कंटेनिंग ऑलमोस्ट द सेम सिलेबस दैट इज़ इन F7 प्लस सम एडिशनल टॉपिक्स, सम एडिशनल स्टैंडर्ड, सम एडिशनल थिंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉट यू हैव टू लर्न इन ऑर्डर टू पास द SBR, वॉट इज़ द मेन कैपेबिलिटीज अ स्टूडेंट शुड एक्वायर। सो ऑन सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ दिस पेपर, द स्टूडेंट और कैंडिडेट शुड बी एबल टू, ये तमाम कैपेबिलिटीज़ आपके पास SBR से आती हैं, तो ये SBR में आपको सीखनी है। अप्लाइंग फंडामेंटल एथिकल एंड प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स टू एथिकल डायलेमा एंड डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनएथिकल बिहेवियर। सो एथिक्स एंड प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स ये आपको सीखने हैं। नेक्स्ट थिंग इज इवेल्यूएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क and critically discuss the changes in accounting regulations. SBR के एग्ज़ाम में सिर्फ आपको स्टैंडर्ड्स अंडरस्टैंड नहीं करने हैं, बल्कि उन्हें critically evaluate करना है, उसकी suitability assess करनी है। Next is apply professional judgment in the reporting of the financial performance of a range of entities. So यहाँ आपके पास interpretation of financial statement different entities का, और ये सिंगल कंपनीज पे भी अप्लाई हो सकता है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन पे भी अप्लाई हो सकता है, नॉट फॉर प्रॉफिट पे भी अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट थिंग इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ग्रुप एंटिटीज। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द SBR सिलेबस, और इस पर क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ अ मोस्ट लाइकली क्वेश्चन ऑन ग्रुप्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जितनी F7 में ग्रुप अकाउंटिंग आप लोगों ने पढ़ी है, उससे ज़्यादा और एडवांस कंप्लीट ग्रुप अकाउंटिंग आपको SBR के पेपर में एडिशनल ग्रुप अकाउंटिंग पढ़नी होगी, जिसके अंदर कुछ नए टॉपिक्स सच एज स्टेप एक्विजिशन, डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी, इसके अलावा सब सब्सिडरी के इश्यूज, फॉरेन सब्सिडरी के इश्यूज, हाउ टू कन्वर्ट द रिजल्ट ऑफ फॉरेन सब्सिडरी इनटू लोकल कंट्रीज currency and consolidated cash flow statement. After that, the interpret financial statement of different stakeholders, communicate the impact of change and potential change in accounting regulations of financial reporting, and demonstrate employability and technological skills. जैसा कि हमें पता है कि अब almost हर जगह computer based exam हो चुका है SBR का, तो हाउ टू अप्लाई योर नॉलेज एंड हाउ टू अटेम्प्ट अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, उसके लिए क्या टेक्नोलॉजिकल स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, वो भी आपको सीखनी पड़ेगी। सो दिस डायग्राम विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द सिलेबस। द ए इज फंडामेंटल ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स, एन इम्पॉर्टेंट वन। बी इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। C is reporting the financial performance of a range of entities, group financial statement, interpretation of financial statement, the impact of changes in accounting regulations, and employability and technological skills. So main focus of the SBR syllabus is the IAS and IFRS, the application of accounting standards, the group accounts, the ethics, interpretation, changes in accounting standards, current issues related to that. अब आपका जो पेपर है उसकी अगर हम थीम पे बात करें, तो ये पेपर 3 आवर 15 मिनट एग्जामिनेशन
और इट एग्जामिन्स प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस विद द बिजनेस रिपोर्टिंग एनवायरनमेंट. स्टूडेंट विल बी एग्जामिन ऑन कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स एंड देयर एबिलिटी टू क्वेश्चन एंड कॉमेंट ऑन प्रपोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अगर हम इसे F7 के एग्जाम से कंपेयर करें तो वहाँ पर हमारे पास फोकस ज़्यादातर ग्रुप अकाउंटिंग पर होता है, सिंगल कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर होता है, कुछ की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पूछा जाता है. यहाँ पर फोकस ज़्यादातर इन डेप्थ आपको IAS और IFRS की नॉलेज एक्वायर करनी होगी सो दैट यू कैन अप्लाई योर नॉलेज इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट. स्टूडेंट शुड बी कैपेबल ऑफ रिलेटिंग प्रोफेशनल इशूज टू रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिकल सिचुएशंस. The evaluation of alternate accounting practices and the identification and prioritization of issues will be a key element of exam. Professional and ethical judgment will need to be exercised together with the integration of technical knowledge when addressing business reporting issues in a business context. So, sirf accounting standard or IFRS padhna is not the solution, balki usko aapko business context mein aur apni professional or ethical judgment ke sath apply karna bhi seekhna hai. There are two sections of the syllabus of the examination paper. One is the section A. Section A में आपके पास दो scenario based question होंगे जिसकी total weightage होती है 50 marks. पहला question will be based on financial statement of group entities. It's almost in every diet. This question is examinable. और इसके अंदर group financial statement के अलावा कुछ और भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज पूछे जा सकते हैं, दैट इज द IAS एंड IFRS. कैंडिडेट शुड अंडरस्टैंड दैट इन एडिशन टू द कंसिडरेशन ऑफ द न्यूमेरिकल एस्पेक्ट ऑफ ग्रुप अकाउंटिंग, अ डिस्कशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस नंबर विल आल्सो बी रिक्वायर्ड. प्रीवियसली जब SBR से पहले पेपर हुआ करता था तो ग्रुप अकाउंटिंग पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता था 35 मार्क्स का. अब एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हो चुका है और अब ग्रुप अकाउंटिंग में थ्योरी भी पूछी जाती है और एक्सप्लेनेशन ऑफ नंबर्स भी पूछे जाते हैं. ये क्वेश्चन 30 मार्क्स का होगा. सेकंड क्वेश्चन इन सेक्शन ए वर्थ 20 मार्क्स विल रिक्वायर कैंडिडेट्स टू कंसीडर द रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन एंड द एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक इवेंट्स इन अ कंटेम्प्रेरी सिनेरियो. ज़्यादातर क्वेश्चन नंबर टू एथिक्स से रिलेटेड होता है, आपको डिफरेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशूज में एथिकल प्रिंसिपल्स अप्लाई करके बताने होते हैं. सो सेक्शन ए में मेनली ग्रुप अकाउंटिंग हो सकती है, IAS IFRS हो सकते हैं और कुछ एथिक्स के इशू हो सकते हैं. सेक्शन बी कंप्राइजेस ऑफ अगेन टू क्वेश्चंस ईच वर्थ 25 मार्क्स, बोथ आर कंपलसरी. इट मे बी सिनेरियो बेस्ड और केस स्टडी और एसे बेस्ड एंड विल कंटेन बोथ द डिस्कर्सिव एलिमेंट एंड कंप्यूटेशनल एलिमेंट. सेक्शन बी में सिलेबस का कोई भी पार्ट आ सकता है but will always include either a full question or a part of question that requires the appraisal of financial or non-financial information from the perspective of stakeholders. Iske andar interpretation of financial statement ho sakti hai. Two professional marks will be awarded in section A and two in B. To professional marks aapke paas section A mein bhi available hain aur wo kisi bhi question mein ho sakte hain, question number 1 mein bhi ho sakte hain, question number 2 mein bhi ho sakte hain, in any question. करंट इश्यूज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जिसके ऊपर कोई पार्ट क्वेश्चन बन सकता है, सेक्शन ए में भी एग्जामिन किया जा सकता है और सेक्शन बी में भी, बट विल नॉट बी अ फुल क्वेश्चन. इट इज मोर लाइकली टू फॉर्म पार्ट ऑफ अनदर क्वेश्चन. करंट इश्यूज को टैकल करने के लिए आपको रेलिवेंट अकाउंटिंग इशूज स्पेशली ISB की अपनी जो वेबसाइट है उससे कनेक्ट होना पड़ेगा. यू कैन सर्च डिफरेंट टेक्निकल आर्टिकल्स रिलेटेड टू करंट इशूज. आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडर्न वर्ल्ड में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑलरेडी इशू हो चुके हैं उसमें क्या डिबेट हो रही है, कितने चेंजेस आने की बातें की जा रही है और उसके अंदर क्या पोटेंशियल चेंजेस आ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मसले मसाइल हैं. नाउ सी द SBR इन द बिग पिक्चर. सो यू कैन सी हियर वी हैव एथिक्स, वी हैव जजमेंट, वी हैव प्रोफेशनलिज्म, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, सिंगल एंटिटी and so on, detailed knowledge of accounting standards and current development, knowledge in the previous exam. बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड हैं जो ऑल टुगेदर F7 वाले SBR के अंदर ज़्यादा डिटेल में मौजूद हैं. न्यू डिटेल्ड नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज ऑलवेज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट विल दैट इज टू बी अंडरस्टैंड बाय द स्टूडेंट. प्रोफेशनलिज्म इज मोर देन कैलकुलेशन ऑफ नंबर. इट मीन्स अप्लाइंग एथिक्स एंड जजमेंट टू वैल्यू टेकिंग दी
considering the examination requirement. How to prepare advice from an expert tutor. Tutor ke point of view say or examination team ke point of view say what student should do. Make use of ACCA resources. ACCA ki website par jo articles hain, wo articles aapko study karne chahiye. Real life reading aapki honi chahiye. Like you have to go through the real financial statement of any company. Aap kisi bhi company ke financial statement dekh sakte hain. Cover the syllabus widely. वाइड एरिया ऑफ द सिलेबस आपको कवर करना, ये ना हो कि आपने कोई स्टैंडर्ड बहुत डेप्थ में कवर किया और कुछ सिलेबस का एरिया आपने मिस कर दिया. तो आपको सिलेबस ओवरऑल कंप्लीट सिलेबस अंडरस्टैंड करना है. प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टेक टाइम टू रिव्यू योर आंसर. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SBR CB विजिट द पेज फॉर गाइडेंस. CBR CB एग्जाम किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है और आप यहाँ पर पास्ट पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं और रिवीजन किट पे फोकस करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह से क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं. रिटन एस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. डू नॉट जस्ट प्रैक्टिस नंबर्स. थ्योरी अगेन प्रोफेशनल एग्जाम में थ्योरी का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है. सो एज लाइक 60-80% थ्योरिटिकल कॉन्टेक्स्ट हो सकता है एग्जाम के अंदर. गेट यूज टू प्लानिंग एंड राइटिंग क्लियरली आंसर. तो आपकी जो भी अगर आपको प्रोफेशनल मार्क्स भी लेने हैं तो आपका एक लॉजिकल आंसर होना चाहिए. So you should need to plan your answer first and then start writing about what examiner is asking. एक नज़र अगर हम सिलेबस डॉक्यूमेंट्स पे डालें, एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट्स पे डालें, तो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि आपको FR और SBR का एक कंपैरिजन दिया हुआ है कि क्या चीज़ें आप SBR के अंदर पढ़ FR में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको SBR में एडिशनल पढ़नी है. सो यू कैन सी like for example IS2 was in FR and is same in SBR as well. Similarly cash flow statement. So वो चीज़ें जो नई आपको पढ़नी है तो आपको नज़र आएंगी different चीज़ें. तो for example IS 24 interim reporting. This is first time being examined in SBR. Similarly you can see here IFRS 1 first time adoption, IFRS 2 share based payment, and similarly IFRS 11 joint venture, IFRS 8 operating segments. ये वो accounting standard है जो F7 में नहीं थे. IFRS for small and medium enterprise, international framework, management commentary, making materiality judgment, exposure draft, discussion paper and other disclosures. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो स्टैंडर्ड जो F7 में इंक्लूडेड थे लेकिन वो SBR के लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं उन पे अगर बात की जाए तो लाइक IS 12 ऑलवेज एन इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड बोथ फॉर F7 एंड SBR. बहुत इम्पॉर्टेंट वेटेज है इसकी. IS 19 एन इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड फॉर SBR. सिमिलरली यू कैन सी हियर दैट आपके पास IS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट दोनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट है. IS 37 दोनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी तरह इंटेंजिबल एसेट, इसी तरह IS 16 टेंजिबल एसेट. ये वो स्टैंडर्ड है जो SBR के लिए भी क्वाइट इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं. इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हमारे पास एक नया स्टैंडर्ड है IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड. इसी तरह बात की जाए IFRS 5 की, ये बहुत ज़्यादा एग्जामिनेबल टॉपिक है, अक्सर आ जाता है. और IFRS 9 दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टैंडर्ड इन SBR. और ग्रुप अकाउंटिंग के इश्यूज़ हैं तो हमारे पास मल्टीपल ग्रुप अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, सच एज IFRS 10 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, IFRS 11 जॉइंट अरेंजमेंट, IFRS 12 डिस्क्लोजर्स पर्टेनिंग टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन एसोसिएट, सो एंड सो ऑन. IFRS 15 रेवेन्यू, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड. 16 लीजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड. दो ये F7 में भी इंक्लूडेड था लेकिन SBR के अंदर जो स्टैंडर्ड्स पूछे जाते हैं वो इन डेप्थ पूछे जाते हैं. तो अब आपको ऊपर ऊपर से स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़ने बल्कि आपको स्टैंडर्ड के एक एक एलिमेंट को, उसके स्कोप को, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका रिकग्निशन क्राइटेरिया, मेजरमेंट प्रिंसिपल, शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लाइक अगर IS 40 की बात करें तो नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का चेंज होती है तो उसको कैसे अकाउंट फॉर किया जाएगा, और डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स लाइक IS 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, अ वेरी स्मॉल स्टैंडर्ड बट इसकी कनेक्टिविटी मल्टीपल स्टैंडर्ड्स के साथ बनती है, तो इसकी इम्प्लीकेशन हमारे पास क्या होंगी. सो
दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ SBR और हम लोग ऑनलाइन लाइव क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर सेप्टेम्बर 2021 एग्जाम. क्लासेस फर्स्ट वीक ऑफ जून से स्टार्ट हो रही है. जो लोग ऑनलाइन लाइव स्टडी करना चाहते हैं ऑल द स्टैंडर्ड्स ऑल द ग्रुप अकाउंटिंग इन डिटेल, वो लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप नंबर 0336286939. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.